हाई फ्रेंड्स संजीव फ्राम संजीव फाइनेंस टूडे ऑल डिस्कस अपाउट हिंदुस्तान जिंक द जिंक एंड सिल्वर ऑफ इंडिया दिस इज़ द टैगलाइन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान जिंक्स शेयर्स एंड यू कैन सी द वीकनेस ऑफ बिज मेटल तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि उसके बावजूद भी हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर्स है उसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है हाँ जरूर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसको देखने के लिए ज़रूर मेरा वीडियोज़ को पूरा देखना है और इफ़ यू लाइक एनी थिंग गुड ऑफ दिस वीडियो तो प्लीज़ uh, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कुछ भी बोलना होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए मेरा जो uh, वीडियोस का या चैनल का जो बेल बटन है उसमें जरूर प्रेस करना है तो फ्रेंड्स पहले हम आपको लेवल बता देंगे डेट इज़ सिक्सटीन मार्च uh, 2023 बाइंग व्यू दे रहा है उन सपोर्ट के आसपास एंड 200 हंड्रेड के आसपास जो सपोर्ट लिए है उसके पास इसका बाइंग व्यू दे रहा है बहुत ही छोटा एक नोमिनल स्टॉप लॉस है इसको जरूर आपको मेंटेन करके चलना है द स्टॉप लॉस इज 292 टारगेट विल बी 327 और बाई करना है 305 के ऊपर स्टॉक में कुछ टाइम से जो दिखा गया है कि एक रेंज के हिसाब से स्टॉक ट्रेड करने लगे आप पूरा इस चार्ट को आप 2021 से देखेंगे तो ज़्यादातर जो टाइम बिताया है शेयर इसी टाइम के हिसाब से बताया देख रहे है आपको इसके ऊपर में जब गया तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड नीचे में जब गया तो बहुत डाउन किया एंड जिस हिसाब से इसके ऊपर में फिर सस्टेन होकर चलना स्टार्ट किया तो फटक से इसके ऊपर गया है अच्छा डिविडेंड पेइंग वाला कंपनी है वेदंता ग्रुप का एक कंपनी है जरूर सरकारी कंपनी इसको बोल सकते हैं डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनी के हिसाब से भी इसका बहुत ज़्यादा सुनाम है मार्केट में तो उसी हिसाब से इसमें हम फंडामेंटली तो बाई करके रख सकते हैं टेक्निकली भी मेरे को लगता है कि इसी लेवल के आसपास आपको बाइंग करना है एक जो ब्लू कलर का लाइन आपको दिख रहा है जो ये लाइन है ये लाइन है टू हंड्रेड डी एम ए तो 200 हंड्रेड डी एम ए के आसपास मेरे को लगता है कि शेयर ने अच्छा सपोर्ट ले के फिर इसी हिसाब से इसमें थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट होगा लास्ट टाइम ये टू हंड्रेड डी एम ए के आसपास आए थे एंड वहाँ से भी फ्लस फ्लैरिश हुआ था आपको थ्री सेवेंटी एट तक उसके हिसाब से इज डाउन हुआ है वन सेटेड डाउन हुआ है मेरे को लगता है इस शेयर में फिर इसी लेवल के आसपास अगर टू नाइन्टी टू नहीं टूटता है और 3.05 के ऊपर जाता है तो आप इसमें बाइंग व्यू लेके चल सकता है जिसका टारगेट 3.27 ऑलमोस्ट आठ नौ परसेंट का यहाँ पे जो इसका जो रिटर्न है वो मिल सकता है आपको विद एन स्पैन ऑफ टेन डेज टेन टू फिफ्टीन डेज टेन डेज के बाद ये शेयर में नहीं रहना है और टू ट्वेंटी टू नीचे में भी रहना नहीं है तो उसी हिसाब से पॉइंट सिग्निफिकेंट है थ्री जीरो फाइव विल बी द प्राइस आप रिसेंटली कुछ शेयर्स का कुछ मोमेंटम को छलचल आप दिखा जा दिखाने का कोशिश करेंगे तो यू विल क्लियरली सी कि यहाँ पे जो इसका जो चार्ट्स है इस चार्ट्स का जो सेटअप है उस सेटअप आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा एंड क्या दिखेगा वो भी हम आपको बताते हैं वो है कि ये जो लेवल है ये डाउन होने के बाद यहाँ पे आके ए, ए जो आपका 15 मार्च को यहाँ पे जरूर ऊपर से बढ़ना स्टार्ट हुआ लेकिन इसी के आसपास सपोर्ट लिया एंड सिक्सटीन मंथ टुडे मेरे को लगता है कि ये जो इसके ऊपर आज कल का क्लोजिंग के ऊपर इसका चलना बेस मेटल डाउन होने के चलते में क्वाइट सिग्निफिकेंट लगता है मेरे को तो उसी हिसाब से इसका जो चार्ट पैटर्न है एंड इसके आसपास जो सस्टेबिलिटी है उसी हिसाब से इसमें मैंने आपको बाइंग व्यू दिए हैं और इसका अदर पैरामीटर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि आर बहुत इंटरेस्टिंग है करीब करीब फोर्टी के आसपास अभी ये आर एस ट्रेड किया है नीचे से थोड़ा सा जरूर एक्सट्रेंड दिखा है लेकिन इसका रेंज बाउंड ट्रेड ही होगा मेरे हिसाब से उसी हिसाब से बाइंग भी लेके चलना है एंड मैगडी भी नॉट क्वाइट सिग्निफिकेंट ओवर देयर ऑप्शन डेटा क्योंकि फ्यूचर में है नहीं तो ऑप्शन डेटा इज़ नॉट देयर बेसिकली लेकिन मेरे को लगता है कि एक शेयर जो डिस्काउंट के चलते हुए जिसका 200 हंड्रेड के आसपास आके सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से मेरे को लगता है कि बाइंग भी लेके चलना है तो फ्रेंड्स इफ यू वांट टू आक एनीथिंग प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शंस अगर ये रियल वीडियो रियली आपको अच्छा लगता है तो चैनल में जो लोग नया है ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा अपना फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा इफ़ यू फाउंड न्यू इन इन दीडियोज कुछ भी आपको पूछना होगा तो जरूर आप तो जानते हैं मेल आईडी मोबाइल नंबर इज़ गिवन टू माय डिस्क्रिप्शन तो उसी हिसाब से इसमें आप कनेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स और सब्जेक्ट टू मार्केट ट्रिक्स बहुत रिस्की मार्केट है पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है तो उसी हिसाब से अपना जो व्यूज़ अपना जो एनालिसिस वो अपना फिनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर शेयर कर दस शेयर करके फिर आप कुछ पोजीशन बनाने का कोशिश कीजिएगा मेरे को जो बोलना है वो एकदम क्लियर है आपका रिक्स टेपिटाइट रिक्स टॉलेंस सही बैठता है तो इसमें करिए सिक्सटी से ऊपर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए वीडियो है नहीं क्योंकि हम बिलीव नहीं करते कि साठ साल के बाद ऐसा पोजिशनल ट्रेडिंग और आपका इंटर ट्रेडिंग में बिलीव करना चाहिए जो यंगस्टर है वो जरूर इसमें पोजिशनल में रख सकता है जो एजेड है वो जरूर अपना पोर्टफोलियो को फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट अपना जो एक्सपोजर है वो इक्विटी में दे सकता है बट समझ के बुझ के जो भी है सेबी रजिस्टर्ड किसी भी ब्रोकर से करिए जो रिनाउंड ब्रोकर है उससे करिए लाइक ए Uh, कोई बैंक बेस्ड ब्रोकर होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट uh, मायने रखता है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू वन सेकेंड फॉर uh, लिसनिंग टू तो मी ऑल थ्रू द वीडियोज़ तो अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ज़रूर हम आपके जल्दी लेके कुछ ना कुछ हाजिर हो जाएंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच